अभी आरती मैं तुझे कैसे समझाऊं, यश को तुझसे प्यार हो गया है, चाहने लगा है वो तुझे। और प्यार में ऐसा होता ही है आरती, इंसान पजेसिव हो जाता है, अपने प्यार पे अपना हक जताना चाहता है वो, उसके प्यार की तरफ कोई भी नजर उठा के देखे तो बर्दाश्त नहीं होता उससे। और भाई वैसे भी तू जैसी खूबसूरत लड़की अगर मेरे जैसे हैंडसम बंदे के साथ घर आएगी तो किस हस्बैंड को जलन नहीं होगी, बता, कौन शक नहीं करेगा? इम्पॉसिबल है यार, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं यश तुझसे इसी बात पर नाराज है। सही कहा तुमने, वाकई यश जी को कोई गलत फहमी हुई है तो इस गलत फहमी को जल्द से जल्द दूर करना होगा तुम दोनों को, और खासकर आरती तुझे। मैं नहीं चाहती हूं कि एक बेबुनियाद शक मेरी बेटी की बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ दे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप आंटी, मैं और आरती अभी यश के पास जाकर सारी बात क्लियर कर देंगे। और वैसे भी लगता है मुझे भगवान ने अचानक इसीलिए यहां पर भेजा है ताकि मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त की इस क्राइसिस में मदद कर सकूं। चल आरती। नहीं नहीं अमन। तो क्या बिना बात की सजा भुगतेगी तू? चल। नहीं अमन, मैं नहीं चल सकती। माँ, यशि मुझे अपने सामने देखेंगे तो फिर से अपना आपा खो देंगे, बहुत गुस्सा करेंगे मुझ पर। माँ मैं। आंटी समझाइए ना इसको। आरती तुझे जाना होगा, अपनी खातिर, अपने बच्चों की खातिर, अपने प्यार की खातिर। जा और जाकर बता दे उस रात की सच्चाई और बचा ले अपना घर संसार इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जा। अरे यश, तूने काफी समय से छोटे की क्लास नहीं ली, आजकल बहुत गड़बड़ कर रहा है। क्यों भैया, अब क्या गड़बड़ की मैंने? बाऊजी के रूम से पूरी विस्की की बोतल उठा के लाया हूं, पिछली बार की तरह बोतल में पानी भर के नहीं रखना पड़ेगा। अरे वाह, बड़ी अक्लमंदी का काम करने लगा है तू। तो फिर आप तो बेवजह मुझे झाड़ते रहते हैं। घर में सबसे छोटा कौन है? तू ही है ना, झाड़ते बैठे तेरे को हमेशा पड़ती रहेगी। हाँ